नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। जब से मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों को कस्टमर के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तब से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक कारों को मार्केट में लेके आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम स्विट्जरलैंड की माइक्रो कंपनी के द्वारा पेश की गई स्मॉल इलेक्ट्रिक कार माइक्रोलिना के बारे में बात करेंगे, जिसे बबल कार के नाम से भी जाना जा रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड की किक स्कूटर बनाने वाली कंपनी माइक्रो के द्वारा जिनेवा मोटर शो 2016 में BMW एस्टेला से इंस्पायर्ड एक माइक्रो इलेक्ट्रिक कार के कंसेप्ट को शोकेस किया गया। दूर से देखने पर एक खिलौने की तरह दिखने वाली इस माइक्रो इलेक्ट्रिक कार के कंसेप्ट को जिनेवा मोटर शो में काफी ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन अब कंपनी के द्वारा इस कार के प्रोडक्शन वेरिएंट को शोकेस किया गया है, जिसे माइक्रोलिना 2.0 नाम दिया गया है। कंपनी इस कार की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने जा रही है और इसकी लॉन्च से पहले ही इस कार को 3000 बुकिंग मिल चुकी हैं। माइक्रोलिना 2 एक चार पहियों वाली माइक्रो सिटी कार है, जिसकी बॉडी को अल्मीनियम और स्टील से बनाया गया है। इसकी बॉडी का भार केवल 450 किलोग्राम है और इसकी लंबाई केवल 2.4 मीटर है। छोटा आकार होने के कारण एक आम कार की तुलना से ये कार केवल 50% पार्किंग स्पेस का प्रयोग ही करती है। कंपनी के द्वारा इस कार में हाईली एफिशिएंट लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जो इस कार को 90 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड के साथ 200 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम है। कंपनी के द्वारा इस कार में लिथियम मैग्नीज कोबाल और ऑक्साइड से बनी बैटरी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की बैटरी का प्रयोग टेस्ला के द्वारा अपनी कारों में किया जाता है। कंपनी के द्वारा इस कार की चेसी को बनाने के लिए हाई प्रेशराइज्ड स्टील का प्रयोग किया गया है। वहीं इस कार की बॉडी को अल्मीनियम और स्टील से बनाया गया है। कंपनी के द्वारा इस कार के फ्रंट और रियर में अलग अलग सस्पेंशन लगाए गए हैं, इसके कारण ये कार एक बेटर राइड क्वालिटी ऑफर करती है। कंपनी के द्वारा इस कार में आगे और पीछे की तरफ दो दरवाजे लगाए गए हैं। इस कार में आगे की तरफ दो आदमी बड़े आराम से बैठ सकते हैं, जबकि पीछे की तरफ सामान रखने के लिए 300 लीटर की बूट स्पेस दी गई है। सब खूबियों के अलावा ये कार 0 से 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेने के लिए 5 सेकंड का समय लेती है, और लाइटवेट मटेरियल से बनी होने के कारण ये कार अपने पिछली कंसेप्ट कार की तुलना से 15% ज्यादा रेंज ऑफर करती है। कंपनी के द्वारा इस कार की डिलीवरी ईयर 2020 के लास्ट क्वार्टर में शुरू कर दी जाएगी। इस कार को सबसे पहले यूरोप और अमेरिका की मार्केट में सेल किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।